अब यहाँ पे लगभग 8 बज गए और 8 बजे की हलचल कुछ ऐसी, आप लोग देखो यार जबरदस्त। यहाँ पे पता है क्या अंधविश्वास है, यहाँ पे पता है जबरदस्त वाला अंधविश्वास है। यहाँ पे देखो ये ब्रेड, इतनी बड़ी बड़ी ब्रेड होती है, और बस वाले ने ऐसी जगह पे लाके रोका है जहाँ पे खाने पीने के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है भाई। नो 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 स्टोन, नो स्टोन, नो 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 नो। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है कैलाश और आप देख रहे हैं द इंडोर ट्रेकर। वैसे मैं नाम पहली बार बोल रहा हूँ मेरे किसी भी वीडियो में यार। यहाँ पे जो फ्रेंच चलती है और मेलागासी चलती है कि लोकल लैंग्वेज, तो ना ही तो मुझे फ्रेंच आती है और ना ही मेलागासी आती है। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ के बस स्टेशन पे, और बस स्टेशन से मुझे आज बस लेनी है मोरंडावा के लिए। मोरंडावा एक बहुत ही ज़बरदस्त सिटी है। वहाँ पर कुछ अलग से ट्रीज भी है जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे ट्री पाए जाते हैं वहाँ पर। तो मैं जा रहा हूँ मोरंडावा, मैं आने वाले 15 दिन साउथ पार्ट को, जो मेडागास्कर का साउथ पार्ट है ना, मिडिल और साउथ पार्ट, इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ आने वाले 15 दिन। और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ के बस स्टेशन पे, यहाँ से मुझे लेनी है बस मोरंडावा के लिए। बस का टिकट मैं कल ले चुका था, बस की जो टिकट की कॉस्ट थी वो थी 60,000 मेलागासी एरियरी, और जिसका इंडियन करेंसी में बात करूँ तो लगभग होता है 1,150 रुपये। इन्होंने मुझे बोला कि 5 बजे आप लोग ना यहाँ पे पहुँच जाना बस स्टेशन पे, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 6 बज गए, अभी तक बस नहीं आई। हो सकता है इन्होंने 1 घंटा पहले के लिए बोला होगा मेरे को। और ये है जो यहाँ का बस स्टेशन कुछ ऐसा, यहाँ पे छोटी छोटी बसें ही मिलेगी बस आपको, ये छोटी बसें हैं ना, ऐसी बसें ही हैं। बड़ी बस अभी तक मेरे को मेडागास्कर में देखने को नहीं मिली है। और यहाँ बस स्टेशन की कुछ हलचल ऐसी है, उधर भी आपको छोटी छोटी बसें ही देखने को मिलेगी। और मैं थोड़ा सा बस स्टैंड के बाहर आ गया हूँ यार। बस स्टैंड के बाहर कुछ ऐसा है, सुबह जो अंतानानारिवो उसकी हलचल कुछ ऐसी है। मैं चला थोड़ा सा बाहर ही घूम लेता हूँ यार, तब तक वहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था। वो बस स्टैंड वो सामने ही है बस स्टैंड। यहाँ पे देखो ये ब्रेड, इतनी बड़ी बड़ी ब्रेड होती है यहाँ पे, मैंने अफ्रीका में भी देखी थी पहले, इतनी बड़ी बड़ी ब्रेड। हाय, फाइनली हम लोग गए जो अंतानानारिवो से निकल गए, और अंतानानारिवो के जो बाहर का एरिया है वहाँ पे पहुँच गए हम लोग अभी। ये देखो वो भाई है जो साइकिल में हवा भर रहा है, हवा भर रहा है या कुछ और कर रहा है, पानी ले रहा है शायद, मोटर लगा रखा है वहाँ पे। और बस वाले ने ऐसी जगह पे लाके रोका है जहाँ पे खाने पीने के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे ये बार, हाँ ये कॉर्न ज़रूर ले सकता हूँ मैं, एक आध कॉर्न ज़रूर खरीद सकता हूँ, बाकी तो और ये नॉनवेज, ये ऐसा नॉनवेज दे रहे हैं जो मेरे खाने का है नहीं। और यहाँ पे छोटे छोटे ठेले बना रखे हैं लोगों ने। एक भुट्टा खरीदा है यहाँ से, ये 800 अरियरी इसका प्राइस है। 800 अरियरी की बात करें तो इंडियन करेंसी में लगभग होता है 15-16 रुपये होता होगा, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा एक्चुअल में कितना होता है। तो अभी रास्ता बहुत लंबा है। एक नदी है यहाँ भी, देखो ये लोग हैं जो कपड़े बड़े धो रहे हैं। यहाँ के घर छोटे छोटे ना, बड़े ही अजीब स्टाइल में बने हुए हैं। आप लोगों ने देखे होंगे छोटे छोटे घर हैं और कुछ अलग ही स्टाइल में बने हुए हैं। अफ्रीका में ऐसे घर नहीं देखे थे मैंने, इंडोनेशिया, हाँ थोड़ा कुछ ये कह सकते हैं कि इंडोनेशिया में भी ऐसे नहीं है घर, इंडोनेशिया में पक्के घर मिलेंगे। ये कोई पहला बड़ा सिटी आया है इस पूरे रास्ते में। यहाँ पे जो साइकिल वाले ऑटो है ना, वो अपने इंडिया से काफ़ी अलग है, इंडिया में है लेकिन यहाँ पे ना इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है बैठने की। और
और अभी यहाँ पे सुबह से चले हैं 6 बजे से और अभी 10:30 बज गया है और यहाँ पे कोई पहला बड़ी सिटी देखने को मिला है। तो अभी आपको थोड़ा सा ये सिटी दिखा देता हूँ, यहाँ की ऑटो रिक्शा वगैरह कैसे क्या है। पहले तो ये देखो, ये हमारी बस और यहाँ पे ऑटो काफ़ी बड़े बड़े ऑटो। अगेन नो ऑटो। यहाँ ये ऑटो देखो यार, ऑटो कितने, इसकी सीट बड़ी ऊंची होती है, अपने इंडिया वाले होते हैं ना उसकी तो बड़ी थोड़ी छोटी होती है। और वो है जो ये पैदल लेके चलते हैं लोग, उसमें बैठा के पैदल लेके चलते हैं। नो चिप, नो टूरिस्ट। आई डोंट वांट टू बाय। व्हाट विल आई डू? हैं फैमिली 24,000? नो, आई डोंट वांट टू बाय। वो पत्थर बेच रहा है भाई मेरे को, मैं बोल रहा हूँ पत्थर खरीद के मैं क्या करूँगा। ये एक तो यार मुझे यहाँ पे कुछ खाना है लेकिन लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है यार। अब ये सैंडविच बता तो रहा है लेकिन कौन सा सैंडविच है, वेज है या नॉन वेज है? ये फ्रेंच लैंग्वेज जानते हैं, मुझे फ्रेंच आता नहीं है। बड़ी मशक्कतों के बाद इनको समझा पाया हूँ कि मुझे वेज सैंडविच चाहिए। अब ये कोई वेज सैंडविच है, बस इसको खा के और वहाँ मोरडवाना तक काम चलाना है। मोरडवाना नाम पता नहीं, नाम भूल जाता हूँ एकदम बार बार यार। यहाँ भी मुझे लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, यहाँ पे सर्वाइव करना लैंग्वेज के बिना, देखो फ्रेंच लैंग्वेज के बिना और मलगासी लैंग्वेज के बिना यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं, मुझे 25 दिन अभी 23 दिन और रहना है यहाँ पे, लेकिन 23 दिन के अंदर 23 डेज के अंदर अंदर रहना, जो बड़ा एक्सट्रीम एडवेंचर होने जा रहा है ये अपना वाला, ये वाला ट्रिप। और अभी जहाँ पे हमने होटल, ये होटल है कोई छोटा सा, यहाँ भी मुझे 5 मिनट तक तो उसे समझाने में लग गई कि यार मुझे वेज सैंडविच चाहिए वेज। अब वो समझ नहीं पा रहा, फिर वो कोई एक लड़की थी वो इंग्लिश जानती थी थोड़ी बहुत, तो उसने बताया कि देयर इज़ नो मीट इनसाइड। क्या ये चिकन वगैरह तो खा लेते हैं लेकिन कहीं बीफ होता है कहीं पोर्क होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। और यहाँ पे कुछ ऑटो ऐसे होते हैं जो ये लोग पैदल लेके चलते हैं, कुछ ये होते हैं जो साइकिल वाले होते हैं। अभी मैं यहाँ पे ना मोबाइल वगैरह यूज कर रहा था, तो यहाँ पे पता है क्या अंधविश्वास है, यहाँ पे पता है जबरदस्त वाला अंधविश्वास है। ये लोग क्या सोचते हैं कि ऊपर से बिजली गिर जाएगी और हम सब लोग मर जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी विल कम एंड विल डाई लाइक दिस है। ये पहली बार सुना है मेरी लाइफ में, फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस थिंग्स इन माई लाइफ। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी मैं हूँ मेडागास्कर का जो मोरंडवा शहर है जो कि लगभग ऑलमोस्ट वेस्ट पार्ट में पड़ता है वहाँ पे। कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एंतानारिवो से मोरंडवा आ रहा था और मैं यहाँ पे आके पहुँचा। हम लोग चले थे सुबह 6 बजे, चले 6:15 बजे और हम लोग यहाँ पे आके पहुँचे लगभग 10 बजे। तो पूरे के पूरे 16 घंटे लग गए, 16 घंटे, और दूरी मात्र शायद 600-700 किलोमीटर होगी। ये देखो मैं अभी इस रूम में रह रहा हूँ और इस रूम का प्राइस मुझे पड़ा है 50,000 मलगासी एरियरी, जो कि इंडियन करेंसी में होता है लगभग 942 रुपए के लगभग। तो महंगा तो मैं कहूँगा थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ठीक है यार, यहाँ मोरंडवा जैसी जगह में आके शाम को बारिश हो रही हो जबरदस्त वाली और तुरंत रूम मिल गया, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखा देता हूँ कि इस होटल का बाहर का व्यू क्या है। थोड़ा सा ये बाहर का सीन कुछ ऐसा है इस होटल का, ये आप लोग देख लो। यहाँ पे ठहरा हुआ मैं इस होटल में, वाइब्स अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 950 रुपये लगे, लेकिन परेशान नहीं होना पड़ा। मेन चीज़ ये है कि परेशान नहीं होना पड़ा, वरना रात को 10 बजे कहाँ, बारिश हो रही थी, बारिश में फिर कहाँ मैं होटल ढूंढते फिरता यार। बस ये है वो आके बुक के सोना पड़ा कल रात को, ये है ट्रेवलिंग के साइड इफ़ेक्ट्स, कभी कभी आपको भूखे भी सोना पड़ सकता है। बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि कहीं जा ही नहीं सकते थे, ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही थी। और ये मोरंडवा जो शहर है, यहाँ से ये देख लो, थोड़ा सा आपको पीछे वाला पार्ट दिखा देता हूँ। ये इधर मोरंडवा शहर का पीछे वाला पार्ट ये है, ये हमारी होटल है। और अब हम लोग चलते हैं बाहर, कल यहाँ जैसे ही पहुँचा इंटरनेट ख़त्म, तो अभी मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है और इंटरनेट रिचार्ज भी करवाना है, फिर थोड़ा सा नहाऊँगा धोऊँगा और
मोरंडवा जिस पर्पज से आए हैं वो जगह भी घूमेंगे। मैं रह रहा हूँ वो सामने ऊपर वाली जगह में रह रहा हूँ मैं। होटल ठीक लगा लेकिन मेरे को होटल काफ़ी पसंद आया। तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर चलता हूँ, बाहर सबसे पहले मुझे करवाना है रिचार्ज। रिचार्ज की दुकान सामने ही दिख रही है मुझे, देखते हैं वहाँ पे। मेरा ऑरेंज कंपनी का वो है सिम कार्ड है, तो ऑरेंज कंपनी का रिचार्ज मिलता है या नहीं मिलता। और ये जो मोरंडवा सिटी है अभी उसका बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। कोई खास ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है ये। देखो मैंने ले रखा है ऑरेंज वाली सिम कार्ड। पहले समझाना मुश्किल हो रहा है कि इंटरनेट रिचार्ज करवाना है मेरे को, लेकिन अभी ये लोग इंग्लिश समझ नहीं पा रहे हैं और मेरे को फ्रेंच आती नहीं है। ये ऑरेंज रिचार्ज इंटरनेट रिचार्ज ऑरेंज नो इंटरनेट यस नो इंटरनेट। यहाँ पे आधे घंटे के बाद माथा कूटने के बाद उस भाई को मालूम चला कि मुझे इंटरनेट रिचार्ज करवाना है। और फिर मुझे इंटरनेट रिचार्ज करवाना था 180,000 एरी एरी का, 190,000 एरी एरी का। और उस भाई के फ़ोन में टोटली बैलेंस 54,000 एरी एरी पड़ा था। तो मेरे कोई काम का नहीं है क्योंकि मैं 100 GB भी लेना चाह रहा हूँ। ये यहाँ से रोड जाती है, दो तरफ जाती है। यहाँ पे कोई सर्कल बना रखा है इन लोगों ने। और अब मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, शायद मुझे इंटरनेट रिचार्ज मिल जाए, होप सो। इंटरनेट रिचार्ज नहीं मिला तो फिर काम बिगड़ जाएगा भाई। और ये यहाँ पे देखो कल की बारिश हुई है, उसका पानी अभी भी भरा हुआ है यहाँ पे। ये एकमात्र ऐसी कंट्री मिली है अभी तक जहाँ पे कोई भी बंदा इंग्लिश नहीं बोलता है। बाकी हर कंट्री में कोई ना कोई बंदा थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आप लोग कभी मेडागास्कर आओ तो थोड़ी बहुत फ्रेंच या मेलागासी सीख के आना। यहाँ पे देखो मैंगो, बिल्कुल प्योर नेचुरल मैंगो मिलेंगे आप लोगों को। भाई मार्केट अभी खुला नहीं है और मुझे करवाना है रिचार्ज, शायद ये शॉप खुली है ई रिचार्ज। हेलो ई रिचार्ज यू नो इंग्लिश? नो इंग्लिश? ओह माय गॉड, ये फिर से भारी पड़ने वाला है भाई मेरे को। यहाँ से शुरू होता है, ये मोरंडवा है इसका मेन मार्केट मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि पीछे है जो छोटा छोटा मार्केट था, छोटी छोटी शॉप थी। यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बड़ी जगह है, बड़ी शॉप है, एक कपड़े की शॉप वगैरह भी है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग है जो कुछ स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं, अभी अपनी शॉप वगैरह जचा रहे हैं। और फाइनली मैं जो हूँ, जो ऑरेंज का ऑफिस है ना, वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। मैं काफ़ी दूर से, मेरी होटल है ना अंजारा होटल, वहाँ से चलता चलता पैदल पूछता लोग मशक्कत करता हुआ अपने लैंग्वेज के साथ कुश्ती खेलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया हूँ। रिचार्ज, वेयर कैन आई गेट इंटरनेट रिचार्ज? आई एम कमिंग फ्रॉम देयर। हाउ मेनी रिचार्ज? लाइक 100 GB। लाइक अभी यहाँ पे आया हूँ, एक लेडीज है, ये इंग्लिश बोलना जानती है। सॉरी, हिंदी आती है ना मुझे? आपको हिंदी कैसी आती है? मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा पाकिस्तान से? ओ क्या बात है। मैं इंडिया से हूँ। अच्छा कितने साल से हैं आप यहाँ पे? मैं तो यहाँ हूँ। अच्छा मतलब बॉर्न बर्थ यहीं का है? अच्छा क्या बात है, मतलब रूट्स पाकिस्तान से है? अच्छा चलो अच्छा है। आप इंडियन हो? हाँ मैं इंडियन हूँ, मैं कुछ दिन 20-25 दिन घूमने आया हूँ मेडागास्कर। हाँ हाँ चल के ही चला जाऊंगा मैं यूँ। ओह अब देख, मैं तो अब निकला हूँ यार बाहर। अब देखो यहाँ का मार्केट देखो आप लोग, मेडागास्कर का। और यहाँ पे मैंने एक्चुअली, मेरे पास एक ऑरेंज सिम है और एक सिम कार्ड ले ली मैंने एयरटेल की। तो एक्चुअली एयरटेल का ठीक काम करता है, कहीं ऑरेंज का ठीक काम करता है। अभी मैंने एयरटेल का सिम कार्ड लिया है जो 2,10,000 एरियरी का पड़ा है, जो लगभग होता है 4,000 के लगभग होता है इंडियन करेंसी की बात करूँ तो। और उसमें मुझे मिला है 120 GB डाटा मिला है। इंटरनेट यहाँ पे ज़बरदस्त महंगा है, बहुत ज़बरदस्त महंगा है यार, आप लोग सोच नहीं सकते। अब यहाँ पे लगभग 8 बज गए और 8 बजे की हलचल कुछ ऐसी है, आप लोग देखो यार ज़बरदस्त भाई। आपको चारों तरफ ऑटो ये साइकिल वाले रिक्शा मिलेंगे। ये कुछ बेच रहे हैं शायद सब्जियाँ लगती है, हरी सब्जियाँ। मुझे सुबह से, मैं यहाँ से केवल लैंग्वेज कुश्ती खेल रहा था,
फिर मुझे फाइनली जाके वो एक पाकिस्तान की लेडीज मिली। एक्चुअली उसका बर्थ तो यहीं का हुआ था लेकिन उसकी रूट्स है ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ी है, तो वो हिंदी अच्छी खासी बढ़िया हिंदी जानती थी। तो फिर उससे मैंने बातचीत की, फिर उसने मेरी हेल्प की, नया सिम कार्ड लिया मैंने एयरटेल का, और अब देखते हैं एयरटेल का सिम कार्ड कैसा क्या काम करता है, देखते हैं चिपका दिया या फिर सही में ढंग से काम करेगा। उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे ऑरेंज सिम कार्ड है ना जो ढंग से काम नहीं करेगा, तो अभी देखते हैं। अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा बैंक चलता हूँ, बैंक से मुझे यहाँ से करेंसी एक्सचेंज भी करवाना है यार, डॉलर पड़े हैं मेरे पास 200-250 डॉलर, तो उनको एक्सचेंज करवा लेता हूँ। यहाँ से मैंने 213 डॉलर एक्सचेंज करवाए, मेरे पास पूरे के पूरे 213 डॉलर पड़े थे, तो मैंने सारे एक्सचेंज करवा दिए। और अब है जो है मोरंडवा में घूमने में मज़ा आने वाला है, ये मोरंडवा का मार्केट कुछ ऐसा, आप लोगों को पहले बाद में पूरा मार्केट घुमाऊंगा ये। तो ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप कि ये वीडियो आपको मेडागास्कर की सीरीज पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। और ये अपना इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी है, आप लोग लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पर जरूर फॉलो कर लें। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।